आ जाओ साहब। साहब मेरे पैसे तो दे दो। पैसे? तुझे दिख नहीं रहा मैं पुलिस में हूँ? तेरी इतनी हिम्मत होगी एक पुलिस वाले से पैसे मांग रहा है? सो सॉरी साहब, पर है ना ज्यादा पैसे नहीं हुए, सिर्फ है ना 50 रुपए हुए हैं साहब। मैं पैसे मांगता नहीं, मैं इसलिए मांग रहा हूँ साहब, मेरी सुबह से बोनी नहीं हुई, दे दो साहब। अरे मैंने तेरी बोनी कराने का ठेका ले रखा है क्या? एक तो तूने मुझे इतनी लेट करा दिया, ऊपर से पैसे और मांग रहा है। साहब मैंने कहाँ लेट करवाया आपको, साहब रास्ते में ना जाम लग रहा था, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा तो तू मुझसे बहस करेगा? जब नहीं देता तेरे पैसे और तूने मुझसे यहाँ पे ज्यादा गटर पटर करी ना, तो तेरे इस एरिया में ऑटो भी नहीं चलने दूंगा, समझा? साहब साहब सुनो साहब, साहब मेरी बहनी तो करवा जाओ साहब, ऊपर वाले के नाम पे है ना सिर्फ 10 रुपए दे दो, ताकि मेरी बहनी हो जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए साहब। अबे सुन, तू 10 रुपए की बात कर रहा है, 1 रुपया नहीं दूंगा मैं तुझे, समझा? औकात में रह अपनी, वरना तेरी ये जो कैंची की तरह जुबान चल रही है ना, इसे यहीं काट दूंगा मैं। अरे रोक भाई, रोक रोक रोक, साइड में लगे, ऐसे गाड़ी है साइड में लगा। हाँ साहब। अबे तू चल एक काम कर, बाहर आ गाड़ी से, पेपर दिखा अपनी गाड़ी के। जी साहब अभी दिखाता हूँ। ये लो साहब। अरे तेरे तो कागज पूरे ही नहीं है, इसमें इंश्योरेंस और पोल्यूशन की डेट एक्सपायर है, तेरा कटेगा चालान। ले जल्दी से 5000 रुपए निकाल। क्या साहब 5000 रुपए का चालान? साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो, पोल्यूशन इंश्योरेंस की डेट है ना अभी एक्सपायर नहीं हुई है, मेरी गाड़ी के कागज पूरे हैं, अब किस बात का चालान काट रहे हो? अच्छा प्रशासन से सवाल? अब तू मुझे कानून पढ़ाएगा क्या? पुलिस वालों से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वरना तुझे और तेरे इस खटारा को दोनों को जेल में सड़ा दूंगा, समझा? खामा खा पुलिस से सवाल जवाब कर रहा है तू, समझदार लड़का दिख रहा है मुझे। एक काम कर, 2000 रुपए निकाल और मजे ले जिंदगी के। साहब जब मेरी गाड़ी के कागज पूरे हैं तो मैं आपको किस बात के पैसे दूं? आप जानबूझकर मुझसे 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हो। तेरा मतलब मैं रिश्वत खोर हूं? तुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना? रुक जा अभी करता हूँ तेरे इस ऑटो को सीज। बता नाम, बता अपना नाम क्या है। साहब साहब प्लीज आप ऐसा मत करो साहब, ये मेरी रोजी रोटी है, अगर ये सीज हो गई ना तो मैं क्या खाऊंगा साहब। अब क्यों हाथ जोड़ रहा है तू? तुझसे प्यार से पैसे मांगे वो तो तूने दिए नहीं, और मुझसे जुबान हो लड़ा रहा था। ठीक है साहब देता हूँ अभी। ये लो साहब। अगर ये पैसे तू पहले ही प्यार से दे देता तो क्यों पिटता तू? चल अब निकल यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग खराब करने। इस ऑटो वाले के पास इतने सारे पैसे? वैसे तो मैं इससे जब भी पैसे मांगता हूँ ये कोई ना कोई बहाना लगा देता है। रुक अभी बताता हूँ इसे। हेलो, अरे लोंडो तुम्हारे लिए काम है, वो जो छोटे बच्चों का जो स्कूल है ना उसके साइड वाली जो बिल्डिंग है उसके आगे एक ऑटो खड़ा है जिसका नंबर है 5073। हाँ वो अभी चोरी करना है, ठीक है? और ध्यान से काम हो जाना चाहिए, ठीक है? ठीक। ओ चल 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 जल्दी स्टार्ट कर, स्टार्ट कर, स्टार्ट कर, स्टार्ट कर, स्टार्ट कर बबलू, बबलू स्टार्ट कर जल्दी से, जल्दी कर, वहाँ वहाँ वहाँ। तो हेलो गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है रमी सर्कल। ये स्किल हुनर दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है जिसमें आप रमी खेलकर पैसे भी जीत सकते हैं। रमी सर्कल एक सेफ एंड सिक्योर ऐप है जहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर है। तो आपको रमी खेलना आता है तो आप खेल कर पैसे जीतते हैं, और अगर आपको नहीं भी आता तो इसमें प्रैक्टिस गेम खेल के आसानी से सीख सकते हो और फिर कैश गेम खेल के पैसे जीत सकते हो। इसमें डिपॉजिट के सबसे सेफ तरीके आपके लिए अवेलेबल है, जैसे फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा आप डिपॉजिट कर सकते हैं और आपके पहले डिपॉजिट पर आपको 2000 तक का बोनस मिल सकता है। रमी सर्कल पर रमी खेलना काफी आसान होता है और फोन में भी काफी स्मूथली तरीके से चलता है, आप इसे खुद स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो गाइस आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अभी डाउनलोड करें और रजिस्टर करने पे आपको 2000 तक का वेलकम बोनस पाएं। तो आप भी रमी खेलो, कैश जीतो। इस खेल में जोखिम भी शामिल है और आपको नशे की लत भी लग सकती है, कृपया इस खेल को अपने जोखिम पे। साहब साहब
दो लोगों ने है ना मेरा ऑटो चोरी कर लिया साहब, प्लीज मेरा ऑटो वापस दिलवा दो साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। ज्यादा है ना चपड़ चपड़ मत कर मेरे सामने, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरा जो ऑटो है ना वो मैंने ही चोरी करवाया है। क्या साहब, मतलब मेरा ऑटो आपने चोरी करवा दिया? साहब आपने एक गरीब के पेट पर लात मार दी, आपको क्या मिला ऐसा करके? अबे सुन, जितना तू तेज चल रहा था ना, मैंने ना तुझे तेरी औकात दिखाने के लिए कराया, समझा? चल अब दफा हो यहाँ से। रोक भाई रोक 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 बस। हाँ भाई हीरो, पूरा जेंटलमैन बन के आ रहा है, काला चश्मा लगा के। एक काम कर, गाड़ी साइड लगा, बाहर आ। हाँ जी सर, बताइए आपने क्यों रोका मुझे? रोका इसलिए, तेरी गाड़ी ओवर स्पीड में आ रही थी। तुझे पता नहीं है इस रोड पे 40 से ज्यादा चलाना अलाउड ही नहीं है, तेरा कटेगा चालान। लाओ 10,000 रुपए निकालो। पर सर मेरी गाड़ी तो 30 की स्पीड से चल रही है, और अगर मेरी गाड़ी की ओवर स्पीड होगी भी तो सर कैमरे लगे तो हैं, ऑनलाइन कट के मेरे घर पे चालान आ जाएगा। और वैसे भी सर ओवर स्पीड चालान काटने का तो हक होता है ना, वो ट्रैफिक पुलिस वालों का होता है। खाकी वर्दी वाले कब से चालान काटने लगे? अच्छा, अब तुम मुझे सिखाएगा कि कौन चालान काटता है और कौन नहीं? मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना तेरी गाड़ी सीज कर दूंगा। तू चाहता है मैं ऐसे करूँ? नहीं ना, तो क्यों लफड़े में पड़ रहा है खामे खा? एक काम कर, 3,000 रुपए दे दे और मौज ले। अच्छा तो 3,000 रुपए में हो जाएगा? तो एक काम करो सर, आप है ना गाड़ी सीज कर दो, नहीं कटवाता चालान और नहीं देता मैं पैसे, जो करना है कर लो। मतलब अब तू पुलिस वाले के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है? रुक, अभी तेरे है ना इस एरिया के नए इंचार्ज से बात कराता हूँ, उनसे बात करेगा ना तो तेरी पैंट गीली हो जाएगी। चालान तो दूर की बात है, तू इस एरिया में भी नहीं भटकेगा। रुक अभी तेरी बात कराता हूँ। सर सर आप सर वो पहचान नहीं पाए सर आपको, वो ऐसा है ना सर इस एरिया में आप नए आए हो तो इसलिए सर देखा नहीं था, गड़बड़ होगी सर। आई एम सॉरी सर, माफ़ कर दो ना। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है अरुण जी, बहुत लोगों की कंप्लेंट आ रही थी, सोचा कि यार मुलाकात कर ही लूँ तुमसे। और हाँ, ये रहा तुम्हारा सस्पेंड लेटर। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना सर, सर आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा सर। रिलैक्स अरुण जी रिलैक्स, थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो साहब, साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो साहब, साहब मेरे घर का गुजारा कैसे होगा, साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ साहब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो साहब। अरे भैया एक पानी की बोतल देना। हेलो। अरे भैया वो पैसे तो है नहीं, एक काम करना बाद में ले लेना। बाद बाद का कोई चक्कर नहीं, पैसे हैं तो लो नहीं तो निकल लो। साहब ये लो पानी पी लो। साहब साहब मुझे लोगों ने बताया कि आपको है ना सस्पेंड कर दिया है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति है ना दिन पर दिन खराब होती जा रही है। साहब मैं समझता हूँ जब किसी की नौकरी जाती है ना तो कितना दर्द होता है। मुझे माफ़ कर देना भाई, मैंने यार आपके साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं साहब, आप है ना माफ़ी मत मांगो, बस मुझे खुशी इस बात की है कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। हाँ भाई मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, और आज के बाद है ना मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। साहब बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि कभी कभी इंसान है ना अपनी नौकरी पैसे के गुरूर में इतना अंधा हो जाता है कि वो किसी की है ना मजबूरियाँ नहीं समझता। कभी भी इंसान को है ना किसी भी चीज़ के ऊपर इतना गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरूर है ना उसी इंसान का टूटता है जो इंसान दूसरे के साथ बुरा करता है। इसलिए आगे से ना एक बात हमेशा याद रखना कि किसी गरीब को परेशान करने से पहले आप ये सोच लें कि वो इंसान किस हालात में अपने घर का गुजारा करता है। साहब एक बात बताऊँ, इस धरती पर है ना ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गरीब रहना चाहता हो, लेकिन उसकी हालत और मजबूरियाँ उसे गरीब बना देती हैं, जैसे कि आज आपके साथ हो रहा है। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो यार, मैंने तुम्हारे साथ जितना भी गलत कराया ना उन सब की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारा ऑटो चुरवाया, मैंने तुमसे रिश्वत मांगी, भाई मैंने बहुत गलत काम करे हैं यार, हो सके तो प्लीज़ मुझे भाई माफ़ कर देना। कोई बात नहीं साहब। और मैंने जो तुम्हारा उस दिन ऑटो चुरवाया था ना वो मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा, तुम अपना काम पहले की तरह कर सकते हो। ठीक है साहब, फिर मैं चलता हूँ।